महात्मा गांधी 1915 की जनवरी में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष के तरीकों और उससे मिलने वाली सफलता से भारत का शिक्षित शहरी मध्यम वर्ग परिचित था और कुछ हद तक प्रभावित भी था। लेकिन गांधी जी से अभी आम भारतीय अच्छी तरह से परिचित नहीं थे, खासकर गांव की जनता, किसान, मजदूर, ग्रामीण महिलाएं, यानी कह सकते हैं कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका गांधी जी के कामों से परिचित नहीं हुआ था। भले ही वह दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेदी सरकार के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल कर लिए हों, लेकिन अभी भी गांधी जी भारत के गांवों में नहीं रचे बसे थे और गांधी जी खुद भी पूरे हिंदुस्तान को नहीं समझते थे। एक बड़े मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म तथा लॉ की शिक्षा लंदन में हासिल की और भारत के कोर्ट में अभी लॉ की प्रैक्टिस करते भी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए थे। सो गांधी जी को भारत को समझने का मौका भी नहीं मिला था। तभी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं और वहीं रच बस जाते हैं। नस्लभेद से सामना होता है और उसकी मुकाबले के लिए एक नया ही तरीका ढूंढ निकालते हैं, सत्याग्रह का। उन तरीकों से गांधी जी जो कि को सफलता तो मिल जाती है, लेकिन साम्राज्यवाद के दंश को वह पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। फलतः अंग्रेज गांधी जी को साम्राज्यवाद का दुश्मन उस वक्त तक नहीं मानते थे। हाँ, जब गांधी जी भारत लौटे तो वह अब की बार पूरी भारत को समझ लेना चाहते थे। पहले तो भारत भ्रमण कर इसे देखना चाहते थे, लेकिन अभी भी असली भारत को गांधी जी पूरी तरह से नहीं जानते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस बात का उल्लेख भी किया है। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि वहां जाने से पहले मैं चंपारण का नाम तक नहीं जानता था। अब जरा सोचिए, चंपारण में सैकड़ों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी उत्पीड़न और अत्याचार चल रहे थे और गांधी जी अभी इस समस्या से परिचित नहीं थे। तभी 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी का सामना एक सीधा सरल किसान जो बिहार के चंपारण का रहने वाला है उससे टकराते हैं। साथ में हैं बिहार के प्रतिष्ठित नामी वकील ब्रजकिशोर प्रसाद। गांधी जी अभी तक ब्रजकिशोर बाबू से भी अच्छी तरह परिचित नहीं थे। उस भोले भाले किसान से क्या परिचित रहे होंगे। इस बात का उल्लेख गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में किया भी है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं लखनऊ कांग्रेस में गया तो वहां इस किसान ने मेरा पीछा पकड़ा और कहा, वकील बाबू आपको सब हाल बताएंगे। वकील बाबू से इशारा ब्रजकिशोर प्रसाद की तरफ था। राजकुमार शुक्ला से चंपारण के किसानों का दर्द गांधी जी सुनते तो हैं, लेकिन समझते नहीं हैं और ना ही इस पर गंभीर होते हैं। अनमने से कह देते हैं कि जब तक मैं खुद न देख लूं तब तक इस पर कुछ नहीं कह सकता। आप लोग बिना मेरी सहमति के ही कांग्रेस की इस बैठक में चंपारण पर प्रस्ताव लाइए। हुआ भी ऐसा ही, चंपारण पर एक प्रस्ताव ब्रजकिशोर बाबू लाए और पंडित शुक्ला जी ने उसका समर्थन किया, प्रस्ताव पारित हो गया। राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी से अनुरोध पर अनुरोध किए जा रहे थे कि कम से कम एक दिन के लिए भी चंपारण चलिए और वहां की दुर्दशा को अपनी आंखों से देखिए। गांधी जी गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन बार बार के अनुरोध को वह टाल न सके तथा अनमने से ही कह दिया कि हां देखूंगा। फिर क्या था, शुक्ला जी गांधी जी के पीछे ही पड़ गए। एक सरल स्वभाव वाली जिद राजकुमार शुक्ला में थी। वह तो नीलमों के मारे हुए थे, लेकिन डटकर लड़ने वाले भी थे। जब उनकी आलू की फसल को नीलहे कोठी वालों ने बर्बाद कर दिया था, तभी वह अड़ गए थे कि चंपारण को नीलहों से मुक्ति दिलानी है। कोई आगे पीछे नहीं दिख रहा था। फलतः शुक्ला जी नीलहों के खिलाफ मुकदमेबाजी में पड़ गए थे। उसी दरमियान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
ब्रजकिशोर प्रसाद, राममोहनी बाबू आदि को वह जानने लगे थे। वहीं पर एक और भी मित्र राजकुमार शुक्ला जी को मिल चुके थे, जो चंपारण की समस्या को लगातार प्रताप नामक सप्ताही में दुखी आत्मा आदि नामों से उठाते आ रहे थे। नाम था पीर मोहम्मद मुनीस, चंपारण के ही रहने वाले थे और बेतिया राज के एक स्कूल में शिक्षक थे। चंपारण के किसानों का दर्द उनसे सहा नहीं जाता था, फलतः कानपुर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र प्रताप के लिए वह लिखते भी थे। प्रताप का प्रकाशन 1913 से ही कानपुर से हो रहा था। उस पत्र का प्रकाशक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत ही निर्भीक पत्रकारिता करते थे और गांधी जी में उनका अटूट विश्वास था, यह आदमी भारत की समस्याओं का मुक्तिदाता बनेगा। प्रताप के पहले भी एक पत्र चंपारण की समस्याओं को निर्भीकता से उठाता था। उस पत्र का नाम था बिहारी और उसके संपादक महेश्वर प्रसाद जी थे, जो चंपारण पर लिखते रहते थे, जिसकी वजह से ही उनकी संपादक की नौकरी चली गई, वह नौकरी से निकाले जाते थे। फिर चंपारण की समस्या को उठाने के लिए आगे आया प्रताप। इसके अलावा और कई पत्र पत्रिकाओं में भी चंपारण की दुर्दशा छुपते रहती थी, खास करके अभी वह भारत में से जैसे पत्रों में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और युद्ध संबंधी खबरें भी लगातार चलती थी। भारत की जनता की दुर्दशा से संबंधित खबरें मीडिया में कम होती थी, लेकिन गांधी जी तब भी मीडिया की सुर्खियों में कभी कभार आ ही जाते थे, इसलिए वह खबरों में रहते थे। उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले मजे हुए नेता थे, जो कांग्रेस के उदारवादी खेमा थे। अभी गांधी जी जैसा व्यक्ति भारत में कांग्रेस से मुंह नहीं मोड़ सकता, लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन विचारधारा से सहमत भी नहीं हो सकते थे। नरमपंथियों की विचारधारा जनता से कटी हुई थी या नरमपंथी अपनी बात को जनता में पहुंचा ही नहीं पाए थे। वहीं पर गर्मपंथी बिखरा हुआ था। होम रूल लीग के आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक लगे हुए थे, वहीं पर होम रूल लीग की एक अलग शाखा को नेतृत्व दे रही एनी बेसेंट गांधी जी को राजनीतिक बच्चा ही समझ रही थी। अतः गांधी जी का झुकाव होम रूल लीग के तरफ भी नहीं था। गांधी जी तो अपने ही तरीके से कांग्रेस को आगे ले जाना चाहते थे और समय भी उनके अनुकूल। कांग्रेस में नरमपंथी गर्मपंथी धारा का झगड़ा लगभग सुलझ चुका था तथा मुस्लिम लीग भी उस वक्त 1916 में आठ जीता था, लेकिन कांग्रेस अभी भी पुरानी धरों से ही चलने में विश्वास कर रही थी। लेकिन तब तक उसे गांधी जी के रूप में एक नया तरनहार मिल चुका था। लेकिन गांधी जी को अभी भी महात्मा की उपाधि नहीं मिली थी, आम जनता के नब्ज को वह टटोल नहीं पाए थे, उसके दुख दर्द को अपना नहीं पाए थे और यह मौका अब आ चुका था जिसे गांधी जी अभी नकार रहे थे। लेकिन उस जिद्दी किसान ने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा, वह कानपुर तक पीछा किया कि यहां से चंपारण दूर नहीं है, एक दिन समय दे दीजिए। फिर जब गांधी जी साबरमती गए तो पीछे पीछे साबरमती तक पहुंचा और चंपारण चलने का वादा करने का गांधी जी से अनुरोध किया। आखिर गांधी जी ने कहीं दिया कि फलाना तारीख को मैं कलकत्ता जा रहा हूं, आप आकर के मिलिए और मुझे चंपारण ले चलिएगा। गांधी जी ने खुद आत्मकथा में इस बात को दर्शाया है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है कि मुझे फलाना तारीख को कलकत्ता जाना है, वहां आइए और मुझे ले जाइए। गांधी जी से पहले ही राजकुमार शुक्ला कलकत्ता पहुंच चुके थे। तब इस बात का जिक्र गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में
किया भी है, उन्होंने लिखा है कि इस अपढ़ अनगढ़ परंतु निश्चयवान किसान ने मुझे जीत लिया। भाई कहानी लंबी है, इसलिए संक्षेप में ही जान लीजिए कि गांधी जी 10 अप्रैल को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी। अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने धारा 144 लगा दी तथा गांधी जी को वापस जाने का नोटिस तामिल कर दिया। भारत में वह पहला मौका था जब गांधी जी अंग्रेजों के सामने खड़े थे। अभी तक तो वह प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए भारत के नौजवानों से अपील ही कर रहे थे कि सेना में शामिल हो जाओ, अंग्रेज हमारी समस्याओं की तरफ ध्यान देंगे और स्वशासन की हमारी राह आसान हो जाएगी। लेकिन इस बार गांधी जी ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे। वह अपनी चीर परिचित अंदाज में नोटिस का जवाब दे दिए कि मैं चंपारण नहीं छोड़ूंगा। फलतः मुकदमा तो होना ही था, मुकदमा हुआ और गांधी जी को कोर्ट में पेश होने के लिए बोला गया। इसमें गांधी जी घबराते नहीं थे। तब तक गांधी जी कई गांवों का दौरा कर चुके थे और किसानों का दर्द सुनकर वह अचंभित थे, द्रवित थे। अब उन्हें लगा था कि असली भारत यहां है, जिस भारत को वह देखना चाहते थे। वह तो चंपारण के गांवों में है। किसानों की रिपोर्ट उन्होंने दर्ज की तथा उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना। राजकुमार शुक्ला, ब्रजकिशोर बाबू, मुनीस, जिन बातों को गांधी जी को नहीं समझा पाए थे, गांधी जी अब अपनी आंखों से देख रहे थे। अब जनता भी गांधी जी को मसीहा समझ रही थी तथा अपना उद्धारक समझ रही थी। अभी यही महात्मा हमारी समस्याओं का निदान करेगा, हमारा मुक्तिदाता होगा, जनता ऐसा समझ रही थी। जिस दिन गांधी जी पेश होने को थे, उनके पेश होने के पहले ही लाखों की भीड़ कोर्ट के आगे खड़ी हो चुकी थी। गांधी जी अभी तक के पुराने ढर्रे से अलग थे। वह कोर्ट के दोष का बचाव किया जाए इसमें विश्वास नहीं रखते थे, जैसा कि गर्मपंथी लोग अक्सर कर लिया करते थे। गांधी जी ने कोर्ट से सीधे कहा कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगा और मैं जानता हूं कि इससे आपका कानून टूटेगा, आप अपना काम करें, मैं अपना, आपके कानून के अंतर्गत जो भी सजा हो मुझे मंजूर है। इधर अंग्रेजी सरकार भी गांधी जी से सीधा टक्कर लेना नहीं चाहती थी। फलतः बिहार के गवर्नर ने अपनी नाक बचाने के लिए धारा 144 को अवैध घोषित कर दिया और गांधी जी को चंपारण के गांवों का दौरा करने की छूट दे दिया। यानी गांधी जी को अब छूट मिल गई, कानून से ही छूट मिल गई। ब्रिटिश सरकार के तरफ से भी तिनकटिया प्रथा के जांच के लिए एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें गांधी जी को भी रखा गया। गांधी जी तो पहले ही गांव-गांव का दौरा करके असली समस्या को समझ चुके थे कि तिनकटिया के अलावे भी 50 अवैध कर से जनता परेशान है, जिससे निर्यात के लिए सिर्फ तिनकटिया पर प्रतिबंध ही जरूरी नहीं है बल्कि चंपारण की जनता को शिक्षित होना भी पड़ेगा। इसलिए एक तरफ गांधी जी ने तिनकटिया पर तत्काल प्रतिबंध के लिए काम किया तो दूसरी तरफ पढ़ाई लिखाई के लिए आश्रम भी खुले, कई स्वयंसेवक आगे आए। वैसे भी गांधी जी की चर्चा से सैकड़ों प्रभावशाली लोग गांधी जी से जुड़ चुके थे, उनका व्यक्तित्व आकर्षक था और जो भी उनके सामने पड़ता वह आकर्षित हो ही जाता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामनवमी बाबू, ब्रजकिशोर प्रसाद जैसे वकील उनके साथ थे, जेबी कृपलानी जैसे प्रोफेसर उनके साथ आ चुके थे, मजहरुल हक लंदन में तो पढ़े ही थे, वह वहीं से उनको जानते थे। और इस तरह के लोग गांधी जी से नजदीक से जुड़ चुके थे। गांधी जी के परिवार के कई सदस्य भी चंपारण में रचनात्मक कामों से आकर के जुड़ गए। चंपारण की समस्या को प्रताप के अलावे अभ्युदय, दैनिक भारत मित्र, कलकत्ता समाचार आदि प्रकाशित करते रहते थे।
गांधी जी जब चंपारण की समस्या को अपने हाथ में ले लिए और चंपारण पहुंचे, तब से भारत भर की कई पत्र पत्रिकाएं उस मैटर पर लिखने लगी और यह समस्या राष्ट्रीय बन गई। साथ ही स्टेटमैन, अमृत बाजार पत्रिका जो कलकत्ता से छपती थी, हितवार्ता भी कलकत्ता से छपती थी, हिंद केसरी जो नागपुर से छपता था, इन सब में भी चंपारण की खबरों को प्रकाशित किया जाते रहता था। लेकिन इंडियन प्लांटर्स गजट उन खबरों का प्रतिवाद भी करता था जो प्लांटर्स लोगों का यानी नीलहों का मुख्य गजट हुआ करता था। उधर द बिहार हेराल्ड, द बॉम्बे क्रॉनिकल, द हितवाद, द हिंदू, द मद्रास टाइम्स, इंडियन पेट्रियट, न्यू इंडिया जैसा पत्र चंपारण की समस्या को उजागर करने में लगे हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ पायोनियर, मद्रास मेल जैसा अंग्रेजी में छपने वाला पत्र गांधी जी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। यानी कुल मिलाकर के चंपारण की समस्या राष्ट्रीय समस्या बन चुका था और इसके बारे में पत्र पत्रिकाएं छापते रहती थीं। हाँ, तो अब जान लीजिए कि चंपारण में तीन कठिया की प्रथा क्या था और किसान लंबे समय से इसका विरोध क्यों कर रहे थे। 1867 में एक बार जबरदस्त विरोध, 1907-8 में भी स्थानीय किसान विद्रोह जैसे स्थिति आखिर क्यों बनती थी। दरअसल तिनकटिया प्रथा की आड़ में ही भयानक उत्पीड़न तथा अत्याचार चंपारण में होते थे। 50 तरह के कर स्थानीय स्तर पर अवैध रूप से लोगों को देने पड़ते थे, साथ में बेगार भी कटना पड़ता था। जब जरूरत पड़ी आपको हल बैलों के साथ अंग्रेजों ने बुला लिया, जाना पड़ेगा। एक विधवा को तो बाल पकड़ करके खींच करके ले जाया गया काम करने के लिए, ऐसा जिक्र है जहां तहां। तीन कठिया का मतलब होता है बिघा में तीन कट्ठा, एक बिघा में 20 कट्ठा होता है, मतलब अपनी खेत का 3/20 भाग में अंग्रेज नीलों के लिए खेती करना पड़ता था। यही तिनकटिया प्रथा थी। बेतिया राज में कई अंग्रेजी ठेकेदार राज की साधारण से अनुमति लेकर के नील की खेती कराते थे, वे कॉन्ट्रैक्ट लेते थे खेती कराने का। शुरू में तो किसानों को नील की खेती से कोई बड़ा घाटा नहीं था, वैश्विक बाजारों में नील की भारी मांग थी, अतः ठेकेदारों को बहुत बड़ा मुनाफा होता था। इसलिए अंग्रेजी ठेकेदार जो नीलहे कहला रहे थे, चंपारण में ही अपनी कोठियां बसा लिए फार्म हाउस जैसा, और थोड़ी ही दूरी पर नील के पौधों से रंग निकालने की फैक्ट्रियां भी लग जाती थी। नील से रंग निकालने का पूरा प्रोसेस बहुत ही कठिन था, भयानक दुर्गंध निकलती थी, फलतः सभी लोग इस काम को नहीं कर पाते थे। जो लोग दबे कुचले थे उन्हीं को अधिकतर फंसाया जाता था, फलतः निचली जाति के ही अधिकतर लोग इस काम से जुड़ते थे। आगे चलकर के इस काम के लिए झारखंड वाले क्षेत्र से भी आदिवासी मजदूर लाए गए जो वहां पर धांगड़ कहलाते थे। नीलहे लोग नील की डिमांड को पूरी करने के लिए किसानों से करार करने लगे थे। पहले तो अनुनय विनय किया जाता था, फिर अंग्रेजी सरकार की हनक दिखा करके समझौता करने लगा जाने लगा था। यही थोड़े दिनों के बाद मजबूरी में बदलने लगा कि तुम्हें नील की खेती करनी ही होगी और अपनी ही जमीन के सबसे उपजाऊ टुकड़े में नील की खेती करनी होगी, नील बोनी होगी, बीज तो कोठी वाले देंगे लेकिन नील के दाम तय दर पर, तय रकम पर ही मिल पाएगी। अब जरा सोचिए कि प्रति 6.5 बीघा जमीन से लगभग 1 बीघा जमीन नील की खेती के लिए चला जाता था। यानी ऐसा समझ लीजिए कि 6.5 बीघा में 1 बीघा की खेत अंग्रेजों के लिए ही समर्पित हो जाता था। मालगुजारी किसान को देनी पड़ती थी, ऊपर से अलग तरह के और आवाद देने पड़ते थे और तरह के टैक्स देने पड़ते थे। ऊपर से जब नील की पैदावार मारी जाती थी, मुनाफा कौन कहे, प्रति बीघा 3 कट्ठा तो अंग्रेजों के बिगारी में ही चली जाती थी। साथ ही साहेब बहादुर का अन्य खर्च भी कौन देगा, साहब को हाथी खरीदनी है कौन देगा, जनता नहीं देगी तो कौन देगा।
इसलिए जनता पर हथिया ही टैक्स लग गया होता। घोड़ा खरीदना है, घोड़ा ही टैक्स लगता था। मोटर गाड़ी खरीदनी है तब भी टैक्स। आम का बढ़िया फसल हुआ है, अमहरी टैक्स लगाती। कटहल का बढ़िया फसल हुआ है, कटहरी टैक्स लग गया। पानी से पानी लिए हैं, पानी खर्चा दीजिए। साहब बहादुर के नौकर चाकर लोग गांव में आए हैं, सलामी खर्चा दीजिए। किसी का बाप मर गया और उत्तराधिकार बेटे को लेना है, तो इसके लिए भी एक कर नीलों को देना पड़ता था, जो बपही पुतही कहलाता था। बोलोगे तो केस दर्ज होगा और पुलिस मुख्तार का खर्च भी तुम्हें लोगों को देना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो जबरदस्त पिटाई होगी, कोई खांसने वाला तक नहीं होगा। भाई अंग्रेजी राज है, कोई खेल नहीं। इसी तरह की आतंक, अत्याचार और उत्पीड़न से चंपारण की जनता रोज गुजरती थी, रोज उन नीलहों का सामना होता था, भयानक अपमान होता था। महिलाएं बच्चे सुरक्षित नहीं थे, महिलाओं का इज्जत सुरक्षित नहीं था। इस तरह से बेतिया राज में ही लगभग 60 कोठी वाले हो गए थे और सब एक से बढ़कर के एक। सैया भय कुतवाल अब डर काहे का। अरे कुछ भारतीय भी मिलजुल करके मजा मारते थे। बेतिया राज सैनिक हो चुका था, पूरी अंग्रेजी साम्राज्य को मानो पता ही नहीं था और बड़े बड़े प्रसिद्ध वकील साहब लोग इस तरफ से मुंह मड़े हुए थे। सिर्फ मुकदमों से कमाई करने भर का ही नाता था उनका चंपारण से। अब भला गांधी जी मसीहा के तौर पर चंपारण में पहुंचे तो जनता क्यों नहीं जान लुटाती गांधी जी पर? और गांधी जी का व्यक्तित्व भी काफी आकर्षक था, जो आते वह खींचे चले जाते थे। अब तो तिनकटिया नीलहों के लिए भी मजबूरी बन चुकी थी। रासायनिक नील बन जाने से नील के रंग का व्यापार फीका पड़ चुका था, लेकिन वह किसानों को नील की खेती से वहीं मुक्त नहीं करना चाहते थे। वह तो बरसों बरसों से मजा मार रहे थे। किसान नीलहों से मुक्ति चाहते थे तो नीलहे उनसे वसूली चाहते थे। तिनकटिया से मुक्ति के लिए एक मुस्त हरियाणा तालान किसानों को देना पड़ता था, जिसकी दर 60 से 100 रुपये तक होती थी। सरावेसी जैसी कर, जो अतिरिक्त कर था, तिनकटिया हटने के बाद भी कहीं कहीं किसानों को देना पड़ा, उसकी दर 3 रुपये प्रति बीघा तक थी। जो लोग तमाम दे चुके थे, समझौते के अनुसार उसका 25% ही उन्हें लौटा। लेकिन गांधी जी को एक आंशिक सफलता मिली, लेकिन कुछ मायनों में वह बहुत बड़ी सफलता थी। इस तरह से जो कमीशन गठित हुआ था उसकी रिपोर्ट गवर्नर साहब को सौंप दी गई। सरकार ने तिनकटिया की जांच के लिए जो कमेटी बनाई थी उसमें गांधी जी भी एक सदस्य थे। समिति ने 4 अक्टूबर 1917 को सरकार को रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु इस तरह से थे कि तिनकटिया प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिए। समझौता कोई चाहे तो स्वैच्छिक कर सकता है, लेकिन अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। खेत का निर्णय खुद किसान करेगा कि वह किस खेत में खेती करेगा। बिक्री दर भी किसान ही निर्धारित करेगा। और जो लोग तमाम दे चुके हैं, यानी एक तरह घर जाना, उसका 1/4 नीलहों को वापस करना पड़ेगा, यानी नीलहें किसानों को वापस करेंगे। अवाब यानी अवैध जो उपकर वगैरह लगता था उसकी वसूली अब रुक जाएगी। इस तरह से 29 नवंबर को चंपारण कृषि बिल पेश हुआ और यह बिल 1918 में विधेयक यह पारित हो गया और इस तरह से चंपारण कृषि एक्ट नाम से कानून बना और तब जाकर के चंपारण से तिनकटिया जैसी प्रथा बंद हुई। इस तरह से गांधी जी का पहला प्रयोग, जो भारत में सत्याग्रह का प्रयोग था, वह आंशिक रूप से सफल रहा। आंशिक ही सही, पर गांधी जी के तेवर से देश परिचित हो चुका था। अब गांधी जी गांवों के हो चुके थे और गांव वाले गांधी जी के।